क्वेश्चन नंबर वन, इन क्वेश्चंस में वैल्यू निकालनी है, कोई ए बी एक्स वाई कुछ नहीं है, सारी की सारी डिजिट दी हुई है हमें। इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा सीधा सा तरीका है कि आपको प्राइम नंबर बेस को छोटे से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, पावर टू में, थ्री की पावर, टू की पावर, फाइव की पावर। तो 243 है, ओड नंबर है, टू की पावर तो आएगा नहीं, थ्री की पावर में आ सकता है। तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास है तो हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। 3 इंटू 3 9 आया, ये दो बार हो गया, फिर एक बार और इक्वल टू का बटन दबाया मैंने, 27 हो गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, फिर एक बार और दबाया, 4 टाइम्स हो गया, 81 आ गया, फिर एक बार और दबाया, 5 टाइम्स हो गया, 243 आ गया। इसका मतलब जो 243 है वो 3 की पावर 5 है। तो मैंने 3 की पावर 5 लिख दिया। 32 देखें तो 2 की पावर 5 होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो 2 की पावर 5। तो ये हमारी वैल्यू थी। अब हमें पता है एक प्रॉपर्टी के थ्रू कि ए और बी की पावर अगर 2 हो तो ये ए की पावर भी होती है और बी की पावर भी होती है। इसे रिवर्स भी तो अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे ये कह सकता हूँ पी बाय 2 की पावर 5, बाहर है माइनस 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा 3/2 की पावर माइनस 4। अब एक प्रॉपर्टी थी हमने लास्ट में पढ़ी थी कि उस प्रॉपर्टी के हिसाब से 3/2 की पावर माइनस 4 को मैं 2/3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो मैं पावर का साइन चेंज कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 4? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर 4 क्या होता है? 2, 4, 8, 16 क्या होता है? 16। और 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। आंसर हमारा बी आ जाए, तो आंसर इज बी। तो यहां से हमें पता चला कि हम लोगों को सबसे छोटी वैल्यू में पहले चेंज करके उसकी पावर लिखनी है, फिर आपस में कट कट आकर आंसर आ जाएगा।